दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली हेल्थ टिप्स पे। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दो मिनट में चमकाए किचन और बाथरूम के टाइल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बाथरूम और किचन के टाइल्स गंदे और काले होने से परेशान हैं तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ घरेलू टिप्स लाए हैं जिससे कि टाइल्स की सफाई के लिए आप घर पर ही क्लीनिंग सॉल्यूशन बना सकती हैं। अगर आप अपने किचन के टाइल्स को हर रोज साफ नहीं करती हैं और बहुत दिनों में एक दिन सफाई करनी बैठती हैं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, इसीलिए रोज टाइल्स की थोड़ी बहुत सफाई करते रहें। हमारे घर में ही कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से हम किचन के टाइल्स को आसानी से साफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करके अपने किचन और बाथरूम की टाइल्स को चमका सकती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहें, टाइल साफ करने के लिए तार वाला ब्रश नहीं लेना चाहिए, नहीं तो टाइल्स पर खरोचें पड़ सकती हैं, टाइल्स के जॉइंट को नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए आप नरम ब्रिजल वाले ब्रश से टाइल्स की सफाई कर सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा आप सिरके का उपयोग मार्बल, ग्रेनाइट आदि नेचुरल पत्थर साफ करने के लिए ना करें, क्योंकि सिरके से इनको साफ करने से उन पत्थरों में गड्ढे पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं टाइल साफ करने के घरेलू नुस्खे क्या है। सबसे पहला है सिरका। दोस्तों 2 कप सिरका और 2 कप पानी का मिक्सन बनाकर एक साफ स्प्रे बोतल में डाल लें। इसे टाइल्स पर स्प्रे करें और कपड़े की मदद से उसे साफ करें। आप माइक्रोफाइबर कपड़ा का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि दोस्तों दूसरे कपड़े की तुलना में ये कपड़ा गंदगी को अच्छे से सोख लेता है और इससे टाइल्स पर किसी भी तरह की खरोच भी नहीं आती हैं। दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके आप आसानी से टाइल्स के दाग से छुटकारा पा सकती हैं। बेकिंग सोडा और पानी का एक मोटा पेस्ट बना लें और इसे दाग पर लगा दें। 10 से 15 मिनट तक इसे सूखने दें और फिर गीले कपड़े से साफ कर लें। यदि ये दाग जिद्दी है तो किसी पुराने टूथब्रश से साफ करें। इस तरह से बेकिंग सोडा आपके टाइल्स की गंदगी को निकाल कर उसे चमका देगा। टाइल्स साफ करने के लिए ब्लीच या फिर अमोनिया का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी टाइल्स काफ़ी गंदी हो चुकी है तो ब्लीच और पानी को समान मात्रा में मिला लें। इस मिक्सर को टाइल्स पर सर्कुलर मोशन में लगाएं। अब टाइल्स को गर्म पानी से साफ कर लें। इसके बाद किसी सूखे कपड़े से इसे साफ कर लें। दोस्तों ध्यान रखें, ब्लीच का इस्तेमाल करते वक्त अपने हाथों में हैंड ग्लव्स ज़रूर पहनें। रोज़ टाइल्स की सफाई करने के लिए सफ़ेद सिरका और बर्तन का लिक्विड। दोस्तों इसके लिए आप 2 कप गर्म पानी, 2 कप सफ़ेद विनीगर यानी कि वाइट विनीगर, 1 चम्मच बर्तन धोने का लिक्विड लेकर इसका मिश्रण बनाकर एक स्प्रे बोतल में डालें। दोस्तों अब जहाँ पर भी आपके टाइल्स गंदे हो चुके हैं और जहाँ पर आप सफाई करना चाहते हैं, इस मिक्सर को वहाँ पर स्प्रे कर दें। इस मिक्सर को टाइल्स पर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब ब्रश से थोड़ा घिस दें, अच्छी सफाई हो जाएगी। दोस्तों इससे चिकनाई, साबुन के या फिर अन्य धब्बे, पानी की बूंदों के धब्बे आदि की सफाई आसानी से हो सकती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगी टाइल्स के जिद्दी दाग धब्बों की सफाई के लिए आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको क्लोरीन ब्लीच का उपयोग करना है। इसके लिए आप 1 कप ब्लीच, 3 कप पानी, 1 चम्मच शैम्पू मिलाएं और स्प्रे बोतल में डाल दें। इस सॉल्यूशन को टाइल्स पर स्प्रे कर दें। 15 मिनट बाद धो दें। जहां पर कालापन ज़्यादा दिखे वहां हल्का सा घिस दें। दोस्तों याद रखें, आपको इस ब्लीच के मिक्सर में किसी भी तरह का दूसरा एसिड या फिर अमोनिया वाला क्लीनर नहीं मिलाना चाहिए, इससे हानिकारक गैस बन सकती हैं। दोस्तों इसके साथ ही गैस की वजह से परेशानी ना हो, इसीलिए ब्लीच का इस्तेमाल करते वक्त दरवाज़ा और खिड़की खुली रखें। दोस्तों पैराफिन और नमक का प्रयोग। अगर आपकी टाइल्स पुरानी हो चुकी है और धोने के बाद भी चमक नहीं आती हैं तो इसके लिए आप पैराफिन और नमक में कपड़ा भिगोकर टाइल्स पर पोंछा लगाएंगे तो इससे आपके टाइल्स चमक जाएंगे।
टाइल्स चमकाने के लिए नींबू का इस्तेमाल। टाइल्स पर नींबू काटकर रगड़कर 10 मिनट बाद मुलायम गीले कपड़े से पोंछ देने से भी टाइल्स चमक जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसके जरिए हमने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिससे आप मिनटों में अपने बाथरूम और किचन के टाइल्स की सफाई कर सकते हैं। आपको और भी हेल्थ रिलेटेड और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे बेनिफिशियल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।